श्रीवास्तव जी, तीन मुद्दे उठाए हैं भदौरिया जी ने। पहला महंगाई का, दूसरा कानून व्यवस्था का, और तीसरा कि मंत्रालय मंत्री के बेटे चला रहे हैं। हरिश्चंद श्रीवास्तव जी पास जाएंगे, फिर से संपर्क टूट गया है। हरिश्चंद जी, आपने सुना होगा अनुराग भदौरिया जी को, वो तीन सवाल उठा रहे हैं, कानून व्यवस्था, महंगाई और मंत्रालय जो बेटे चला रहे हैं मंत्री के। मैंने कहा कि सब जो रही थी पूरे प्रदेश में इस तरह से खारिज करने का काम किया, लेकिन हमारे अनुराग भदौरिया जी अभी उसी टोन को गाए जा रहे हैं। उनको प्रयागराज की घटना के बारे में मालूम है कि एक घटना तो जिसमें वो पांच लोगों की हत्या हुई, उस परिवार के मुखिया ने खुद ही उसको अंजाम दिया और फिर उसने आत्महत्या कर ली। और जहां भी दूसरी जो घटना है उसमें जिस तरह से पुलिस प्रशासन काम कर रहा, जो भी उसके जिम्मेदार लोग हैं, सरकार ने किसी भी व्यक्ति को जो अपराध में लिप्त रहा हो किसी को बख्शा नहीं है और न योगी सरकार बख्शने वाली है। योगी सरकार की अपराध और भ्रष्टाचार पे जो जीरो टॉलरेंस की नीति है वो चलती रहेगी और अन्य प्रदेश भी योगी सरकार के इस मॉडल का अनुसरण कर रहे हैं। अपराधियों के घर पे बुलडोजर पहुंचे हैं और तमाम अपराधियों ने बुलडोजर देख करके सरेंडर किया है। और बोल दूं मैं, कानून व्यवस्था इकबाल है वो उत्तर प्रदेश के ही नहीं अपित विभिन्न राज्यों में उसका लोहा माना जा रहा है और लोग उसका अनुसरण कर रहे हैं। भदौरिया, और जहां तक महंगाई को लेकर के बात कर रहे हैं, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल को लेकर के जिस तरह से वैश्विक मार्केट से सभी जानते हैं गवर्न होता है, और उसको लेकर के जो आज चाहे रूस और यूक्रेन का युद्ध को लेकर के परिस्थितियां कुछ बिल्कुल हर्षचंद जी, लेकिन अनुराग भदौरिया जी वैश्विक कारणों से दलीलों से वो दाम बढ़ते हैं, असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। अनुराग भदौरिया भारत में भी आता है। देखिए, ये पूछिए कि भैया ये जो लखीमपुर में जेई ने आत्महत्या की थी, क्यों? उसकी पत्नी को मांग रहे थे ना कि हम आपका काम, आपका प्रमोशन और क्या क्या वजह के लिए पत्नी की कह रहे थे, पत्नी को भेज दीजिए। याद है घटना आपको? आपको घटना याद है कि किस तरह से पलिया थाने में बुला के वो तो आप, जो ई रिक्शा चला, बताइए कि जब ये घटना प्रकाश में आई, जब ये घटना प्रकाश में आई तो उनके खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ जो इस तरह की बात कर रहे, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? आप तो ये बताइए ना कि जो लोग बात कर रहे थे 15,000 की घूस मांगा जाएगा तो थाने में आत्महत्या करनी पड़ेगी, एक एक घर के पांच पांच लोगों की मौत हो जाएगी, खड़े नहीं यहाँ पे सरे आम मेरठ के अंदर रोड पे चाकुओं से गोद गोद के मारा जाएगा? ये उत्तर प्रदेश है क्या? है क्या उत्तर प्रदेश को आपने बना दिया है कि जो चाहे वो यहाँ लूट घसोट चोरी डकैती हत्या लूट मार चलता रहेगा? मंत्री का बेटा चलाएगा यहाँ पे शासन? भाई मंत्री जीते, मंत्री जी कहाँ है? उनका बेटा मंत्रालय चलाएगा? ये तो पहली बार समाजवादी पार्टी सरकार ने अराजकता की फसल बोई थी। दरखास्त करूंगा मुख्यमंत्री से, समाजवादी पार्टी की सरकार ने मुख्यमंत्री जी आपके राज्य को संरक्षण दिया था, अपराधियों का संरक्षण दिया था, मंत्रालय चला रहा है, ये शर्म की बात है। लेकिन योगी के बयान मंत्री जी आए हैं ये बताने की जरूरत नहीं, कोई भी नहीं स्पेस है, न कोई माफी है, ठीक है।